नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। देश के चर्चित पहले ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने भगवा चोला पहनकर यूपी के सीएम पद की शपथ दूसरी बार ली और 37 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़कर सूबे की सत्ता पर दोबारा काबिज हुए। यूपी में लगातार दौरे करने के साथ ही अब सीएम उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे, लेकिन ये दौरा योगी के लिए बहुत खास है। आखिर उत्तराखंड का दौरा मुख्यमंत्री के लिए खास क्यों है, देखिए इस रिपोर्ट में। भगवा चोला, साधारण वेश, मजबूत कानून व्यवस्था, ये सारी खूबियां अगर किसी में है तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिनका उत्तराखंड से बहुत पुराना और खास नाता है। देवभूमि में जन्म लेने वाले सीएम योगी ने यूपी को अपनी कर्मस्थली बनाया, लेकिन अब अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार योगी उत्तराखंड के दौरे पर जाने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ का दौरा 3 दिन का होगा, जिसकी शुरुआत 3 मई से होगी। मूल रूप से उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाले योगी का गांव पौड़ी जिले के यमकेश्वर तहसील का पंचूर है और इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गांव जा सकते हैं। इस दौरान सीएम योगी डिग्री कॉलेज बिछियानी में अपने गुरु महंत अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण करेंगे। सीएम के योगी आदित्यनाथ की पहचान सिर्फ उनके सख्त तेवरों से नहीं है, बतौर गोरखनाथ पीठ के महंत उनकी पूजा अर्चन, अनुशासन, पशु प्रेम से भी है। गोरखपुर से राजनीतिक सफर शुरू कर दिल्ली पहुंचने वाले और फिर वापस यूपी की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा बनने वाले नेता योगी आदित्यनाथ की पहचान कट्टर हिंदू छवि वाली है, लेकिन गोरखपुर ही वो जगह है जहां से सीएम के राजनीतिक सफर की नींव पड़ी। पहले सीएम 15 फरवरी 1994 को नाथ संप्रदाय के प्रमुख मठ गोरखनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी के रूप में अपने गुरु महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली थी। इसके बाद गोरखपुर की राजनीति में एक महंत की धमाकेदार एंट्री हुई। 5 बार योगी आदित्यनाथ सांसद रहे। इसके बाद 2017 में जब बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, तब पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। इस बार 2022 में पार्टी योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी और एक बार फिर भारी बहुमत मिला। अजय सिंह बिस्ट, जिन्हें आप सीएम योगी आदित्यनाथ के रूप में जानते हैं, इनका जन्म 5 जून 1972 को पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में हुआ था। अजय सिंह बिस्ट फॉरेस्ट रेंजर आनंद सिंह बिस्ट के 7 बच्चों में से 5वें नंबर पे थे। 1994 में 22 साल की उम्र में अजय सिंह बिस्ट अपने परिवार को बिना बताए सन्यासी बन गए। अजय सिंह बिस्ट अब नाथ संप्रदाय के योगी आदित्यनाथ बन गए थे। उनका ये नाम गुरु गोरखनाथ पर रखा गया था। सीएम योगी के इस दौरे पर सबकी नजर है, क्योंकि इस दौरे में सीएम योगी सालों बाद अपने परिवार से मुलाकात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा उत्तराखंड का इसलिए भी अहम है क्योंकि वो अपने घर भी जाने वाले हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।